मित्रों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रिकेटर से राजनेता बने लक्ष्मी रतन शुक्ला के बारे में। लक्ष्मी रतन शुक्ला का जन्म 6 मई 1981 को वेस्ट बंगाल के हावड़ा शहर में हुआ। लक्ष्मी रतन शुक्ला ने अपने क्रिकेट करियर में मात्र 3 वनडे मैच ही भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से खेल पाए हैं। संजोगवश आगे इनका सिलेक्शन भारतीय टीम में नहीं हो पाया। इन्होंने अपना पहला मैच 17 साल 320 दिन की उम्र में 22 मार्च 1999 को श्रीलंका के खिलाफ नागपुर के मैदान में खेला। यह दाएं हाथ के मध्यम क्रम के बल्लेबाज और दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज रहे हैं। 18 साल तक इन्होंने बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेला है। बंगाल क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं। आईपीएल में इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयर डेविल्स, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी खेले हैं। 2015 में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 2016 में इन्होंने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। तृणमूल कांग्रेस ने इनको हावड़ा नॉर्थ से एमएलए का टिकट दिया, जहां से एमएलए निर्वाचित हुए। ममता बनर्जी ने इनको अपने कैबिनेट में खेल कूद युवा कल्याण मंत्री का प्रभार दिया। क्रिकेट में अच्छी पारी खेलने के बाद लक्ष्मी रतन शुक्ला आज राजनीति में भी अच्छी पारी खेल रहे हैं। धन्यवाद मित्रों।